बरेली में बिथरी चैनपुर थाना निवासी एक व्यक्ति ने इलाके के दबंगों पर बेरहमी से मारपीट करने और घर में आग लगाने के प्रयास का आरोप लगाया है, जिसकी शिकायत करने पर थाना पुलिस की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं की गई। वहीं आज पीड़ित ने एसएसपी कार्यालय पहुंचकर न्याय की गुहार लगाई है। दरअसल घटना बिथरी चैनपुर थाना क्षेत्र में शहर से सटे हरुनगला इलाके की है, जहां के रहने वाले प्रदीप ने बताया कि उसकी मौसी का पड़ोसी में रहने वाली दुर्गा नाम की एक महिला से विवाद हुआ था, जिसका बिथरी चैनपुर थाने में केस दर्ज कराया गया है, जिससे बौखलाई महिला के दबंग परिजन उसके परिवार को जान से मारने की धमकी दे चुके हैं। इस बीच 12 जून को प्रदीप और उसके भाई गुरदीप को बाजार में घेरकर दबंगों ने चाकू और लाठी डंडों से हमला कर दिया, जिसमें वह गंभीर रूप से घायल हो गए। प्रदीप का आरोप है कि इस दौरान दबंग केस वापस लेने और घर खाली कर भाग जाने की धमकी देते हुए फरार हो गए। वहीं घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस ने दोनों घायल भाइयों को मेडिकल के लिए अस्पताल भेज दिया, जबकि उधर दबंगों ने पीड़ितों के घर में आग लगाने का प्रयास किया, लेकिन सफल नहीं होने पर दबंग भी अस्पताल पहुंच गए और जान से मारने की धमकी दी, जिसके बाद पीड़ित किसी तरह बारादरी थाने पहुंचा और दबंगों के खिलाफ तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की, लेकिन आरोपियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होने पर आज एसएसपी कार्यालय पहुंचकर इंसाफ की गुहार लगाई है। मौसी का मुकदमा चल रहा था इनका, तो बोले मौसी का मुकदमा वापस ले, मतलब लोगों को जान से मरवा देंगे। उसी कल 6:30 बजे के टाइम नत्थू संदीप दुर्गा इन लोगों ने हमारे ऊपर चाकू से हमला किया। ये बात पुलिस को सूचना दी, पुलिस ने बिथरी कोई कार्रवाई नहीं की। इससे पहले भी हम कई बार थाने में कार्रवाई सूचना दी है, पर कोई तो बुआ का क्या मुकदमा चल रहा है उनका? जातिवादी सूचित गालियां थी, उन्हें उनकी जमीन की कब्जा कर लिया, बोली चमारों की मारने की बारी आई है। तो क्या दवा मुकदमा वापस लेने का दबाव बना रहे हैं? हाँ, दबाव बना रहे हैं। किस किस के साथ मारपीट की गई? मैं हूँ, मेरा भाई थी। आज कप्तान साहब की हाजिर आए, क्या अनुशासन दिया? ये बोले कि कार्रवाई होगी।